इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत कई देश इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में इटली का नाम भी जुड़ गया है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने शनिवार को बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इसराइल को समर्थन दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की तुलना ISIS से कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये एक तरह से परीक्षा है, सभ्यता की परीक्षा, और हम इस परीक्षा को जीतेंगे। हम उन सभी देशों से उम्मीद करते हैं जो ISIS से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं, वे एकजुट होकर हमास से लड़ें, क्योंकि हमास नया ISIS है। यहाँ आने और इसराइल के साथ खड़े होने के लिए मैं जियोर्जिया मेलोनी का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे लिए सबसे कठिन समय है, हमें इस बर्बरता को हराना है। ये सभ्यता की ताकतों और राक्षसी बर्बर लोगों के बीच एक लड़ाई है। उन लोगों ने निर्दोष लोगों, मासूमों, बुजुर्गों की हत्या की, दुष्कर्म जैसे अपराध किए। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा, मैं यहां आकर खुश हूं। मुझे लगता है कि इटली सरकार और इटली के लोगों की यहां एकजुटता दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये बताना कि हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो अविश्वसनीय थी। ये ऐसी चीज़ है जिसे हमें कल और आज लड़ना है। हम इसराइल के अस्तित्व, अपनी रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करते हैं। हम पूरी तरह से समझते हैं कि आतंकवाद से लड़ना होगा। हमारा मानना है कि हम सोचते हैं कि आप इसे निर्णायक लड़ाई तक ले जाएंगे। हम उन आतंकवादियों से अलग है। वहीं आपको बता दें कि कई लोगों को भी हमास ने बंधक बनाया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया है। हमास ने करीब 200 बंधकों को गाजा में छिपा कर रखा है। ऐसे में इसराइल अब इन बंधकों तक पहुँचने के लिए हमास और उनके लड़ाकों को मारने के लिए हमले तेज कर रहा है। इसराइल इस बात को लगातार दोहरा रहा है, लेकिन अब तक बंधकों को छुड़ाने में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं इसराइल के नागरिक भी सरकार पर बंधकों की वापसी का दबाव बना रहे हैं। हालांकि हमास ने शुक्रवार को 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा तो किया, लेकिन ये नाकाफी है। वहीं इसराइल के PM नेतन्याहू ने बंधकों को छुड़वाने को पहली प्राथमिकता दे रखी है। नेतन्याहू तो इतना तक कह चुके हैं कि हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के प्रयास में हम पीछे नहीं हटेंगे। विदेशी मीडिया की खबरों के हवाले के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भले ही इसराइल की सेना जमीनी हमला कर हमास को खत्म करने के मंसूबे से जमीन पर उतर चुकी हो, लेकिन न केवल अमेरिका और यूरोपीय देश बल्कि इसराइल के PM नेतन्याहू भी हमास के कब्जे में फंसे लोगों को छुड़ाने की प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि सारी तैयारी के बाद भी इसराइल हमास पर जमीनी हमला नहीं कर पा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।